इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में हम डाल लेते हैं 1 चम्मच के करीबन तेल, और तेल को अच्छी तरह से यहाँ पर हम गर्म कर लेते हैं। अब इस गर्म तेल के अंदर हम डालेंगे 1/2 चम्मच के करीबन राई, राई को अच्छी तरह से फूटने देते हैं। राई अच्छी तरह से फूट गई है, इसमें हम डालेंगे 1/3 चम्मच के करीबन जीरा, जीरे को भी हल्का सा तेल में हम फ्राई होने देते हैं। जीरा अच्छी तरह से तेल में फ्राई हो चुका है, इसमें हम डाल देते हैं 1/2 चम्मच के करीबन सौंफ, सौंफ का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया लगता है। सभी चीज़ें अच्छे से पक गई है, अब इसमें हम डालेंगे 1 प्याज जिसे मैंने इस तरह से लंबा लंबा कट कर लिया है। साथ ही इसमें हम डाल देंगे 1/2 कप के करीबन लंबा लंबा कटा हुआ पत्ता गोभी। फिर इसमें हम डाल देंगे 1 टमाटर, इसे भी मैंने लंबा लंबा कट कर लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे 1/2 चम्मच के करीबन नमक, और सारी सब्जियों को हम 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लेते हैं मीडियम फ्लेम पर। सारी सब्जियों को आपको एकदम ज़्यादा पकाना नहीं है, हल्का सा कच्चा रखना है ताकि इसके अंदर का जो क्रंचीनेस है वो बना रहे। तो मीडियम फ्लेम पर ही आपको इसे इस तरह से चलाते हुए पकाना है। सारी सब्जियां हल्की सी कुक हो चुकी है, इसमें हम कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। 1/2 चम्मच के करीबन ऐड कर देंगे हम लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच के करीबन डाल देंगे हल्दी पाउडर। बहुत ही कम मसालों के साथ ये रेसिपी बनकर तैयार होती है। 1 पिंच के करीबन इसमें हम डाल देंगे हींग, 1/4 चम्मच के करीबन नमक ऐड करेंगे। नमक थोड़ा ध्यान से ही ऐड करिए, क्योंकि जब हमने स्टार्टिंग में सब्जियों को पकाया था तब भी नमक हमने ऐड किया था। अब 1 से 2 मिनट के लिए इन्हें हम चलाते हुए पका लेंगे ताकि जो हमने मसाले डाले हैं वो भी अच्छी तरह से पक जाएं। अब इसमें हम ऐड कर देंगे 2 चम्मच के करीबन बेसन, यानी कि ग्राम फ्लोर। बेसन से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है इस नाश्ते का। एकदम ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड नहीं करना है, सिर्फ 2 चम्मच के करीबन ही आप यहाँ पर बेसन को ऐड करिए। अब इसे भी हम सारी सामग्री के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और 1-2 मिनट के लिए चलाते हुए पका लेंगे ताकि बेसन के अंदर का जो कच्चापन है वो चला जाए। सभी चीज़ें अच्छे से पक गई हैं, जो हमने बेसन डाला था वो भी अच्छी तरह से भुन चुका है। अब गैस को हम बंद कर देंगे और इसे अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। अब मैंने लिया है मेजरिंग कप से 1 कप गेहूं का आटा। गेहूं का आटा हर घर में अवेलेबल होता है, ताकि जब आप चाहें आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। इसे हम डाल लेते हैं मिक्सिंग बाउल के अंदर। साथ ही इसमें हम ऐड कर देंगे 1/2 चम्मच के करीबन नमक। नमक आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। नमक को आटे के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम आटा लगाकर तैयार करेंगे। आटा एकदम ज़्यादा सख्त भी नहीं होना चाहिए और एकदम ज़्यादा नरम भी नहीं होना चाहिए। आटा लगकर रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं इस तरह का आटा लगाकर आपको यहाँ रेडी करना है। 1/2 कप के करीबन मैंने यहाँ पर पानी का यूज़ किया है इतना आटा लगाने के लिए। अब इसमें से हम थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इसकी एक लोई बनाएंगे। अब इस लोई को हम बेलेंगे, तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा आटा डस कर लेते हैं इस तरह से। इस नाश्ते की खास बात यह है कि इसे हमने गेहूं के आटे से बनाया है, और किसी भी चीज़ का आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई चीज़ आपको बाजार से लाने की ज़रूरत है। घर में ही गेहूं का आटा बहुत ही आसानी से मिल जाता है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इस तरह से रोटी बनाकर रेडी कर ली है। अब मैंने यहाँ पर इस तरह से एक ढक्कन लिया है, इस ढक्कन की हेल्प से हम रोटी को कट कर लेंगे। हल्का सा इस तरह से हम इसे प्रेस कर देंगे और जो इसका साइड का बचा हुआ पार्ट है इसे हम निकाल देंगे। इससे क्या होगा कि बिल्कुल हमें एक प्रॉपर रोटी मिलेगी। यदि हम किसी के सामने नाश्ता सर्व कर रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया लगेगा यह नाश्ता सर्व करने के लिए। यदि आप घर के लोगों के लिए बना रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, रोटी थोड़ी बहुत टेढ़ी भी रहेगी तो भी चलेगी। अब जो हमने सब्जियों की स्टफिंग बनाई थी वो भी अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी है, तो इसे हम इस तरह से इसके ऊपर सेंटर में रखेंगे और हल्के हल्के हाथों से इसे हम पूरी रोटी के ऊपर फैला देंगे। बच्चों का टिफ़िन हो या सुबह नाश्ते में कुछ खाना हो, इस नाश्ते को ज़रूर बनाकर खाइए, आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगा ये नाश्ता। हल्का हल्का सा प्रेस कर देंगे ताकि ये इसके ऊपर अच्छी तरह से सेट हो जाए। और किनारों पर आप बिल्कुल स्टफिंग को नहीं लगाइए, थोड़े से किनारों को छोड़ दीजिए जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी स्टफिंग की जगह पर मैंने थोड़ा सा किनारों पर छोड़ दिया है। अब मैंने इस तरह से दूसरी रोटी भी बनाकर कट करके रेडी कर ली है, इसे हम इसके ऊपर रखेंगे और हल्के हल्के हाथों से इसे हम प्रेस कर देंगे और चिपका देंगे। अब मैंने यहाँ पर एक ले लिया है तवा, इसके ऊपर हम डालेंगे इस पराठे को। अब इसे हम एक साइड से सिकने देंगे, तो ये एक साइड से सिक चुका है, इसे हम पलट देते हैं। आप देख सकते हैं इस पर बढ़िया सी चित्तियाँ आ गई है। अब इसके ऊपर हम इस तरह से ऑयल अप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर बटर या घी भी ले सकते हैं इसे सेकने के लिए। इसे आपको लो फ्लेम पर ही सेकना है, यदि आप हाई फ्लेम पर सेकेंगे तो ये जल जाएगा। अब दूसरी साइड से भी मैंने इसे 1 से 2 मिनट के लिए पका लिया है, इसे हम पलट देते हैं। और इस साइड पे भी हम इस तरह से ऑयल अप्लाई कर देंगे और इसी तरह से इसे पलटते हुए हम तब तक सेकेंगे जब तक कि जो पराठा है बिल्कुल बढ़िया तरीके से सिक ना जाए। बच्चे जो हैं अधिकतर सब्जियां वगैरह नहीं खाते हैं, सब्जियां खाने में नाटक करते हैं, तो आप इस तरह से पराठा बनाकर खिलाई है तो वो बहुत ही मज़े से पराठा खाएंगे।
पराठा बिल्कुल बढ़िया तरीके से सिक चुका है, मैंने इसे इस तरह से पलटते हुए सेक लिया है। इसे उठाकर हम प्लेट में रख लेते हैं। टेस्टी यम्मी से ये पराठे की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूले। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, यू आर वॉचिंग माई वीडियो।